नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल और Facebook पेज खेती बाड़ी। मैं आपका साथी संदीप जाखड़। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में ऊपर के बारे में। तो मेरे वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान साथियों, आज हम बात कर रहे हैं ऊपर के बारे में। तो किसान की भाषा में अगर बात करें तो हम ऊपर को काला तेला या भूरा तेला या भूरा फुदका भी कहते हैं, जो धान का मुख्य शत्रु है या किसान का सबसे बड़ा दुश्मन ऊपर होता है। ये आता क्यों है? ऊपर मौसम के उतार चढ़ाव में आता है। रात में नमी, दिन में उमस, या अगर दिन में थोड़ी सी गर्मी हो तो इसके आने के लिए अनुकूल परिस्थिति बनती है। तो इसकी हम पहचान कैसे करें? इसके लक्षण है, धान में पराली बन जाता है। इसे एक कारण यह भी है कि पौधों से पौधे के बीच की दूरी, हवा का ना निकलना, उस खेत में यह समस्या भी आती है, या यूरिया का अधिक जरूरत से ज़्यादा प्रयोग करना, या पानी ज़्यादा टाइम तक खड़े रह जाता है, जिस कारण ऊपर ये सारी कंडीशनें ऊपर को नियंत्रण देती है। जब एक बार हमारे खेत में आ जाता है तो पूरे धान को पराली बना देता है। किसान को आर्थिक तौर पर भी ये काफ़ी नुकसान देता है। तो अब हम बात करेंगे इसके बचाव के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें। तो यहाँ हम बात करेंगे GSP क्रॉप साइंस के एक्रोस की पाइमेट्रोजिन 50%। इसका प्रयोग हम प्रिवेंटिव में करते हैं। तो ये धान ऊपर के लंबा फसल में लंबा बचाव करता है, वह फसल को लास्ट तक हरा रखता है। और इसमें आधुनिक SP स्टेलेट पंक्चर एंड ब्लॉक के तकनीक के तहत काले तेले को रस चूसने वाले स्टेलेट को ब्लॉक कर देता है, जिससे पौधों का नुकसान तुरंत बंद हो जाता है। काले तेले के पेड़ों को ये जोड़ भी ब्लॉक कर देता है, जिससे उसमें पंक्ता आ जाती है, उसका चलना फिरना बंद हो जाता है, और उसके अंडे देने की क्षमता है उसको भी ख़त्म कर देता है, यानी कि अगली पीढ़ी का आना भी बंद हो जाता है। यह संचार हरे पौधे को बाखूबी होता है, यानी कई तरीकों से यह काले तेले पर वार करता है। तो हम बात करेंगे इसकी डोज की। तो इसकी डोज रखेंगे हम 120 ग्राम प्रति एकड़। किसान साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी? नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।